देखो भाई, क्वालिटी मूवीज अगर देखनी तो जरूरी नहीं सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, सिर्फ इंटरनेट चाहिए। आज की लिस्ट उन सभी के लिए जिनको लगता है कि अच्छी मूवी देखने के लिए सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, पैसा देना पड़ेगा। नहीं भाई, सब कुछ फ्री है यूट्यूब पर, आधी से ज्यादा हिंदी में अवेलेबल है और अच्छी क्वालिटी के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन आपके टाइप की कौन सी है, अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड मूवी जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। फ्यूचर में धरती का क्लाइमेट इतना ठंडा हो चुका है कि सारी मशीन्स बंद पड़ चुके हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते, लिटरली अंडरग्राउंड बंकर्स बना के लोग रह रहे हैं और इन सब में अपनी टीम को सरवाइव करना है। लेकिन इनका सामना होता है कैनिबल से जो इंसानों को खाते हैं। साइफाई एक्शन सिर्फ 1.5 घंटे की 2013 की द कॉलोनी। मूवी सिर्फ 5.3 की एवरेज रेटिंग रखती है IMDb के ऊपर, लेकिन वो सबसे गलत है क्योंकि भाई मूवी लिटरली डे आफ्टर टुमारो की वाइब देती है। देखो भाई, अगर आपको सर्वाइवल मूवी पसंद है तो ये मस्ट वॉच है, लेकिन अगर आपको कैनिबलिज्म, वो इंसानों को खाने वाला, इस मूवी के अंदर उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करते और ज्यादा ब्रूटल जाते तो और मजा आता। मूवी की पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया मुझे कुछ जगहों पे COVID-19 की याद दिला रही थी। मूवी YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो भाई, जिम कैरी बाप एक्टर है, कॉमेडी का बादशाह है और इसकी एक कॉमेडी मूवी मुझे यूट्यूब पर मिली इतने अच्छी हिंदी डबिंग के साथ, डम एंड डमर पार्ट 2। मतलब तू 20 सालों से बीमार होने का नाटक कर रहा था सिर्फ मुझे उल्लू बनाने के लिए। 2014 की ये मूवी पार्ट 1 का प्रीक्वल है। मैंने पार्ट 1 नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि उसका लेवल क्या था। जस्ट बिकॉज इसकी IMDb रेटिंग कम थी तो मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन जब हिंदी में अवेलेबल थी YouTube पर तब मैंने शुरू की और भाई कॉमिक टाइमिंग एक नंबर, सिर्फ 5.6 की IMDb रेटिंग है। जरूर इसने पार्ट 1 के बेंचमार्क को सेट नहीं किया होगा, इसलिए लोग डिसअपॉइंट होके जाके अपना हेटरेट निकाल रहे होंगे, लेकिन भाई मूवी बहुत अच्छी है। ये उन मूवीज में से जिसमें मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, 1% भी इस्तेमाल नहीं करने का। दो छोटी दोस्तें, इनकी हरकतें इतनी एम्बैरेस करती है मूवी के अंदर भी और आपको भी। मैंने पार्ट 1 देखा ही नहीं था इसलिए पूरे मजे लिए मूवी के। आपको अगर फील गुड, लाइट हार्टेड, मजा देने वाली मूवी देखनी है तो ये आपके लिए। अब YouTube पर अवेलेबल है तो एडल्ट सीन्स काट दिए, लेकिन जो जोक्स है, जो कॉमेडी है, वो एडल्ट है तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको प्रीमियम नायलॉन के कपड़े एकदम टॉप क्लास के चाहिए और इतना लाइट वेट कि पहनने के बाद ऐसा लगे कि कुछ पहना ही नहीं, मैं लिटरली 1 घंटा हो गया शूट करके, इतना लाइट वेट और इतना प्रीमियम कपड़ा है, जीरो पसीना। देखो भाई, मेरे जैसे आलसी लड़कों का एकदम सिंपल, एक टी शर्ट पसंद आ गया ना तो बार बार उसको हर जगह पे पहनेंगे। मेरे लिए अभी स्ट्रेच के कपड़े बिल्कुल वैसे ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अगर आप शॉप करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा सभी स्ट्रेच के कपड़ों पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके कपड़े आपके और मेरे बजट में भी आते हैं। जरा सोच के देखो, नई नई कंपनी में आप ज्वाइंट हुए, हफ्तों से काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और रातों रात कंपनी गायब। आई रिपीट, सारे आपके एम्प्लॉयज, आपके दोस्त, पूरी की पूरी कंपनी, सारा सेटअप, सब कुछ गायब। अब इसके पीछे एक बड़े लेवल पे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक्शन थ्रिलर 2012 की 1 hour 40 minutes की इरेस्ड। सबसे अच्छी बात, मूवी की आपको लॉजिकली कन्विंस कर देती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अपने बेचारे हीरो की बेटी खुद उस पे शक कर रही है कि ये आदमी सच में मेरा बाप है या फिर नाटक कर रहा है। बड़े बड़े लोग इसे मारने के लिए ढूंढ रहे, कौन है इन सबके पीछे, नॉनस्टॉप चेस चल रहा है। बस मूवी से एक्शन की एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम रखना। अब 2012 की मूवी है तो थोड़ी स्लो फील हो सकती है। एक डिसेंट हिंदी डबिंग के साथ YouTube पर अवेलेबल है। अगली मूवी आपको सिखाएगी कि रोड पे किसी से झगड़ा नहीं करने का, चुपचाप स्माइल देने का और निकलने का। और अगर आपने सॉरी ना बोल के अपना ईगो आगे लाया तो टॉम कूपर आपकी ऐसी लेगा, कह के लेगा। और वो देखने में जो सुकून मिला है भाई साहब, 1 hour 30 minutes की सर्वाइवल थ्रिलर 2020 की अनहिंज्ड। आप भी चाहे तो मुझसे माफी मांग सकती है। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि मैं आपसे माफी मांगू। रसल क्रो ने भाई एक नंबर, क्या डराया इसने। बंदा मेंटली अनस्टेबल है, इसने कसम खा ली है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा सबको मारूंगा लेकिन इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। अब देखो, मूवी में कुछ ब्रूटल सीन्स है इसलिए एडल्ट है। हिंदी में YouTube पर अवेलेबल। रिक सेंटरो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, उसकी लाइफ एकदम मजे में चल रही है और एक चलती फाइट मैच के अंदर सेक्रेटरी डिफेंस का मर्डर हो जाता है और वो खुद एक विटनेस बन जाता है। अब एक के बाद दूसरे डॉट्स कनेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन करना है और क्रिमिनल तक पहुंचना है। 1998 में VFX CGI बहुत कम होता था इसलिए पूरा फोकस ये लोग कंटेंट पे देते थे। ऐसी ही 1 hour 40 minutes की स्नेक आइस। सबसे अच्छी बात है, जो इन्वेस्टिगेशन, जो मिस्ट्री बना के रखी है मूवी ने, वो धीरे धीरे ग्राफ उसका ऊपर बढ़ता है और वो नीचे ड्रॉप कभी नहीं होता। अगर क्राइम थ्रिलर आपका फेवरेट जॉनर है तो आपके लिए मूवी है, लेकिन मूवी 25 साल पुरानी है तो थोड़ी सी स्लो फील 100% होगी। मूवी R-rated है, सेक्सुअल और एडल्ट सीन्स भी है तो अकेले देखना सही रहेगा। एक परफेक्ट फैमिली तब तक परफेक्ट रहती है जब तक किसी तीसरे की नजर उस पे ना लगे। एक तरफ बच्ची को किडनैप कर लिया और दूसरी तरफ माँ बाप को हॉस्टेज बना लिया। अब इन्होंने क्राइम तो एकदम परफेक्टली इंप्लीमेंट किया लेकिन फैमिली को गलत चुन लिया। 2002 की 1 hour 45 minutes की ट्रैप्ड। IMDb के ऊपर 6.1 की एवरेज रेटिंग 26,000 लोगों ने दी है। मूवी के एक्टर्स ही उसकी जान है। चार्लीज थीरोन आपको फील करवाती है बंदी। अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो आप किस हद तक जाओगे? बस आपको एक्शन में थोड़ी कमी जरूर फील होगी क्योंकि मूवी के अंदर थ्रिल और सस्पेंस बहुत भर भर के है। एलियंस धरती पर आकर 6 साल हो चुके
चुके हैं, अब ये एलियंस नहीं रेसिडेंट बन चुके हैं अर्थ के। और जो दुनिया इन एलियंस ने इस धरती पर क्रिएट की है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। 2010 की सिर्फ 1 hour 30 minutes की मॉन्स्टर्स। अब इस मूवी ने जो एटमोस्फियर क्रिएट किया है वो आपको फील करवाता है कि पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया एलियंस अगर आ गए तो कैसा होगा, वो मॉन्स्टर कैसे होंगे। मूवी का फर्स्ट हाफ धीरे धीरे बिल्डअप होता है, उसके बाद सेकंड हाफ में हॉरर एलिमेंट है लेकिन मूवी स्लो है। और ये मूवी मुझे अब तक की सबसे साइफाई यूनिक मूवी लगी क्योंकि इसके डायरेक्टर है गैरी एडवर्ड, जिन्होंने 2014 की गॉडज़िला बनाई थी और लास्ट ईयर द क्रिएटर। तो अगर कुछ ग्राउंडेड हटके और रियल फील होने वाली मॉन्स्टर मूवी देखनी है या फिर साइफाई मूवी हॉरर देखनी है तो आपके लिए मस्ट वॉच है। फ्यूचर में ऐसी डिजीज स्प्रेड हुई सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब कुछ बच्चों को लेकर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आधे ज़ॉम्बीज और आधे इंसान है। इसमें से एक बच्ची है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर गिफ्ट है, उम्मीद है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। इसे जिंदा भी रखना है और इससे जिंदा बचना भी है। मैंने पहले ही कहा था आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी। 2016 की साइफाई हॉरर द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स। अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज के फैन है और आपको कुछ नया देखना है तो आपके लिए मस्ट वॉच है भाई। मूवी थोड़ी सी स्लो जरूर है लेकिन कुछ ज़ॉम्बी के चेज सीन वगैरह वो सब आपको एंगेज करके रखते हैं और आपको एक्साइटेड रखते हैं कि अब आगे क्या होगा। मूवी बिल्डअप में फर्स्ट हाफ ले लेती है, सेकंड हाफ के अंदर चेस सीन वगैरह दुनिया में जब वो बाहर निकलते हैं एक जगह से जब दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग शुरू होती है तब जाके ज़ॉम्बी अटैक होता है, तब मजा आता है। 64,000 ने IMDb के ऊपर एवरेज 6.6 की एवरेज रेटिंग दी है। नंबर 2 की मूवी भाई ये था एक्शन का गिल्टी प्लेजर सेटिस्फेक्शन। 2007 में इस तरह की एक्शन मूवी बनाना ही मेरे लिए शॉकिंग बात थी। 6.7 की IMDb एवरेज रेटिंग इनविजिबल टारगेट। अब देखो मूवी कॉकटेल है जैकी चैन के एक्शन और मैट्रिक्स का, तो जितने भी एक्शन जमीन पर होते हैं वो आपको रियलिस्टिक लगेंगे लेकिन जितने भी आसमान में होते हैं वो आपको थोड़े इलॉजिकल फील हो सकते हैं। ऊपर से मूवी का VFX थोड़ा सा पुअर फील होगा आज के टाइम में क्योंकि 2007 की मूवी है। ऊपर से मूवी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन है, डिस्ट्रक्शन तो भर भर के, हर छोटी बात पे कांच फूट रहे हैं, हर छोटी बात पे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, भाई मजे ही मजे। YouTube पे अच्छी क्वालिटी के साथ फ्री में हिंदी में अवेलेबल है और क्या ही चाहिए। कहानी एकदम टिपिकल पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ रही है, क्रिमिनल्स का एक हिडन एजेंडा है जिसको पूरा करने से पुलिस को रोकना है। आपको अगर एक्शन का गिल्टी प्लेजर चाहिए तो जाके देखो मजा आ जाएगा। नंबर 1 की वॉर एक्शन मूवी ने 6 Oscar जीते हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। 7.5 की IMDb एवरेज रेटिंग 5.5 lakh लोगों ने दी है। इराक वॉर का सिचुएशन, अमेरिकन सोल्जर्स, कहीं से भी बम फट सकता है, कहीं से भी अटैक हो सकता है, कोई भोला भाला नहीं है, बच्चे तक बम लेके घूम रहे। सार्जन विलियम जेम्स का काम है बम को डिफ्यूज करना। मूवी के अंदर जब बम डिफ्यूज फेल हो जाता है, जब वो डायनामाइट, वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, धरती कांपती है, स्लो मोशन के अंदर मिट्टी हवा में उड़ती है, क्या सीन था भाई। अक्सर कर मूवी स्लो और पकाऊ होती है लेकिन ये भाई परमानंद था। सबसे अच्छी बात हिंदी में अच्छी क्वालिटी के साथ यूट्यूब पर हर्ट लॉकर। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से स्ट्रेच वेबसाइट को जरूर चेकआउट करें। ऐसी ही हिडन जेम हॉलीवुड मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।